अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? शौक साथ जहाँ रहें जी खुश रहे। आज का जो टॉपिक है ना वो है जी टीनएजर का मेकअप बैग किस तरह का होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, आज जो है ना आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेकअप बैग इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हर चीज़ के ना दो तीन ऑप्शन आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर एक चीज़ नहीं मिलती तो उसकी जगह दूसरी चीज़ आप लोग कौन सी ले रहे हैं। साथ में आप लोगों को लग रहा होगा इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो हम डेली हमें पता होती है कि मेकअप में क्या क्या चीज़ें हमने फेस के ऊपर लगानी होती है, फाउंडेशन, मस्कारा, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन टीनएजर्स के लिए, अगर आप टीनएजर हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा मेकअप बाकी मेकअप से किस तरह का डिफरेंट होना चाहिए, वो किस तरह की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब वो हमें, अगर हम फाउंडेशन ले रहे हैं तो हमें लिक्विड लेनी चाहिए, स्टिक लेनी चाहिए, किस तरह के कलर्स लेने चाहिए, लिपस्टिक ले रहे हैं या लिप ग्लॉस ले रहे हैं, किस तरह के शेड्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आप भी टीनएजर्स हैं तो आप लोग किस तरह का मेकअप यूज़ कर रहे हैं लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेकअप करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लाजमी मुझसे शेयर करिएगा। अपनी एज के मुताबिक अपना मेकअप आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, जो टीनएजर्स का बैग होता है वो बिल्कुल इतना सा होना चाहिए, उसमें 6 से 7 चीज़ें होनी चाहिए। कल ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग अगर मेकअप करते हैं, कहीं भी आप लोगों ने जाना है, किसी फंक्शन पे भी आप लोगों ने जाना है, तो आप लोगों का वो एक जो छोटा सा मेकअप बैग है वो काफ़ी होना चाहिए। आप लोगों को मैं मेकअप दिखाती हूँ, 1 by 1 प्रोडक्ट दिखाती हूँ, साथ साथ उसकी डिटेल भी बताती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें क्यों लेनी चाहिए। और वो नेचुरल सा मेकअप होना चाहिए, मतलब उसकी लुक ऐसी आनी चाहिए कि आप लोग मेकअप करें तो नो मेकअप वाली लुक आए। और 1 by 1 मैं बताती हूँ, आप लोग चाहे तो लिख लें, चाहे तो आप लोग जो है ज़ुबानी याद कर लें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी मेकअप टोनर की। अच्छा, टीनएजर हैं तो उस हिसाब से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाले टोनर या बहुत ही ज़्यादा मार्केट में जो बहुत सारे टोनर मिल जाते हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये वाला रोज़ वाटर का टोनर लें, बेस्ट है। आप लोग इसमें थोड़ा सा पुदीना की ताज़ा पत्तियाँ ऐड कर लें, उसके बाद इसको फेस पे लगाएं, जब भी मेकअप करें मेकअप से पहले लगाएं, बहुत अच्छे से प्रेप भी हो जाती है। और आप लोगों को कोई एक्सपेंसिव टोनर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल नेचुरल होता है, आप लोगों की स्किन को जो है नुकसान नहीं पहुँचाता, और आप लोगों को जो है ना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये आसानी से मिल जाएगा। तो जी जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो है जी कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम, छोटे से जार में आप लोग ले लें। पॉन्ड्स की मॉइस्चराइज़र क्रीम आती है वो भी बहुत अच्छी है, जो वाइट वाली है। उसके अलावा डव की मॉइस्चराइज़र क्रीम वो भी बहुत अच्छी है। और ये मेरे पास जो है ये विटामिन ई की जो है मॉइस्चराइज़र क्रीम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप लोग ये वाली लें। चीज़ जो आ जाती है वो हमारा GSPF यानी सन क्रीम, हमारी लाजमी होनी चाहिए, चाहे आप टीनएजर्स भी हैं, सन क्रीम आप लोगों को मस्त लगानी चाहिए। अच्छी सी सन क्रीम ले लें, अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो मैट वाली सन क्रीम लें, यानी जो मैट फिनिश दे। तो ये मेरे पास ये वाली सन क्रीम है, मतलब आप लोग कोई सी भी ले सकते हैं, सन क्रीम लाजमी अपने ब्यूटी बैग में होनी चाहिए। फोर्थ में हमारी चीज़ आ जाती है वो हमारी बीबी क्रीम, ठीक है। बीबी क्रीम बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और अच्छा, ये वाली फेयर एंड लवली की कुछ टाइम पहले मैंने अपनी नीस को लगाए हुए देखी थी, इससे बहुत ज़्यादा स्किन ग्लो करती है, हल्की सी इससे ना लगाने से स्किन शाइन आ जाती है, जो टीनएजर्स वालों के लिए बहुत ही नेचुरल सी लुक दिखाती है। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम, रैमल की बीबी क्रीम, और ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो टीनएजर्स हैं उनके लिए ये वाली और इसके अलावा और बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल होती है, आप लोगों को ले सकते हैं बीबी क्रीम। और एक और आती है गार्नियर की बीबी क्रीम, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है हमारी फाउंडेशन का, टीनएजर्स के लिए कौन सी फाउंडेशन और किस तरह की फाउंडेशन हमें लेनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ आ गई कि आप लोग अगर टीनएजर हैं तो आप लोगों ने स्टिक वाली फाउंडेशन नहीं यूज़ करनी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाई कवरेज दिखाती है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग स्टिक वाली फाउंडेशन ना लें, आप लोग जो है लिक्विड फाउंडेशन लें। लिक्विड फाउंडेशन बेशुमार किस्म की आती है, और रोज़ की फाउंडेशन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसमें बहुत सारी और भी लिक्विड फाउंडेशन है, आप लोग चेक कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है, और रिजल्ट्स भी इसके बहुत ज़बरदस्त हैं। मिस रोज़ की फाउंडेशन सेकेंड जो है वो लॉरियल की है, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत ही जो है ना लगाने से बहुत ही ग्लोई सा इफेक्ट आता है और बहुत ही लाइट सी कवरेज होती है। तो आप लोगों ने, टीनएजर्स ने स्टिक वाली फाउंडेशन नहीं यूज़ करनी, और जब भी यूज़ करनी है आप लोगों ने लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करनी है, वो भी तब जब कोई फंक्शन आ रहा है यूज़ करें।
वरना डेली रूटीन में जो है आप लोग बीबी क्रीम से बहुत अच्छा काम चला सकते हैं। बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन ना हो, ना ही बहुत ज्यादा थिक फाउंडेशन होती है वो वाली ना हो, बहुत ही लाइट सी हो और लगाने से जो है ना स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आए। ओके जी, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है, कभी कभी हम होता है कि हम सन क्रीम सिंपल लगा लेते हैं और हम कोई फाउंडेशन नहीं लगा रहे, तो हमारे पास कंसीलर लाजमी होना चाहिए टीनेजर्स के पास, क्योंकि अगर कभी आप लोगों के डार्क सर्कल्स होते हैं या डिस्कलरेशन थोड़ी बहुत होती है तो इससे बहुत अच्छे से टीनेजर्स की कवर हो जाती है। मेरे पास मिस रोज का कंसीलर है और ये बेस्ट कंसीलर है, बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो आप लोग ये वाला कंसीलर ले सकते हैं या फिर अपनी चॉइस का कोई भी कंसीलर ले सकते हैं। और कंसीलर में भी आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो स्टिक वाले और जो क्रीमी से बहुत थिक से कंसीलर आते हैं वो वाले यूज़ नहीं करने अपनी स्किन के, क्योंकि स्किन जो है टीनेजर्स की बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उस पर बहुत ही लाइट सी जो है प्रोडक्ट लगानी चाहिए। तो ये वाला जो लिक्विड में आप लोगों को कंसीलर बहुत ही लाइट से, ये वाले बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो आप लोग ये वाला कंसीलर ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज आ गई जी हमारा कंसीलर, जो नेक्स्ट चीज है हमारी वो ब्लशर और टिंट, दोनों मैं आप लोगों को बता दूंगी अभी करना। अगर आप लोग डेली मेकअप नहीं भी करना या आप लोग कहीं जा रहे हैं, आप लोगों ने सिंपल सन क्रीम भी लगाई है, तो आप डेली में टिंट, कोई भी अच्छा सा टिंट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टीनेजर्स के लिए आप लोग रेड कलर के या बहुत ब्राइट कलर के जो टिंट होते हैं वो यूज़ ना करें, पीच कलर के, ऑरेंज कलर के, पिंक कलर के जो है ना टिंट बहुत ही नेचुरल लुक दिखाते हैं, तो उनके फेस पे जो है ना वो नज़र नहीं आते। अच्छा, मेरे पास ये ऑरेंज कलर का टिंट है, ये एलिजियम ब्यूटी का था, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर किया था, और इसकी भी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होंगे, आप लोग टिंट ले लें, क्योंकि ये आप लोगों का आइस पे भी लग सकता है, लिप्स पे भी लग सकता है, चीक्स पे भी लग सकता है, इसलिए पूरा मेकअप आप लोग इससे कर सकते हैं टिंट से। तो टिंट आप लोगों के बैग में लाजमी होना चाहिए। बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जी ब्लशर। अच्छा, ब्लशर इस्तेमाल करते हुए जो टीनेजर बहुत गलती करते हैं वो है जी हम मोस्टली पाउडर टिंट यूज़ कर, पाउडर ब्लशर यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो मैट हो या ना हो, इस तरह के पाउडर ब्लशर जो है वो एज की स्किन पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग इस तरह के पाउडर वाले जो है ब्लशर इस्तेमाल करें। आप लोगों ने अगर आप लोग इस तरह के मार्केट में लिक्विड में क्रीम में बहुत सारे ब्लशर आए होते हैं वो आप लोग ले सकते हैं, और ये बहुत नेचुरल लुक दिखाते हैं। आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, आप लोग ये वाला लिक्विड में ब्लशर लें। ब्लशर कभी भी आप लोग टीनेजर में जो पाउडर में है वो वाले ना यूज़ करें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमारी स्किन बहुत ज़्यादा जैसे ऑयली है, हम जो है वो क्रीम पाउडर ब्लशर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, टीनेजर में भी है लेकिन ब्लशर जो है ना वो हम क्रीम वाला नहीं लगा सकते, तो उनके लिए सेकेंड ऑप्शन है इस तरह के बॉल्स वाले ब्लशर्स, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि ये लगाएं तो बहुत ही नेचुरल लुक दिखाते हैं, बहुत ही लाइट सा आप लोगों के फेस पे शाइन भी आ जाती है, और आप लोग इसको एज अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है आप लोग इस तरह के बॉल्स वाले, मुख्तलिफ कलर्स के आते हैं मार्केट में, ये वाले बॉल्स वाले ब्लशर्स अवेलेबल होंगे। और अगर आप लोग क्रीम वाले लेना चाहते हैं तो क्रीम वाले और लिक्विड में भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होंगे, लेकिन आप लोग पाउडर वाले ब्लशर अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं और आप टीनेजर्स हैं तो आप लोग उनको यूज़ करना छोड़ दें। उसके बाद जी बारी आ गई आँखों की, हमें मस्कारा किस तरह का लेना चाहिए। अच्छा, जब टीनेजर्स में हों या फिर नहीं है, ठीक है, आप लोगों का मस्कारा बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत जो है ना बहुत थिक सा होना चाहिए। मस्कारा एक चीज़ होती है कि अगर आप लोगों ने आँखों पर कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल मस्कारा लगाएंगे तो आप लोगों की आँखें बहुत खूबसूरत नज़र आएंगी। और टीनेजर्स को भी मैं रिकमेंड करूंगी कि इस तरह का जो है, इस तरह का आई टूल जो है वो आप लोग लाजमी लें, इससे बहुत आईज जो है ना आई लैशेज कर्ल्स ही हो जाती हैं, उसके बाद मस्कारा लगाएं तो बहुत अच्छी लुक आती है। ओके जी, मस्कारा की बात करें तो मस्कारा इधर मेरे पास तीन है, तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट में जाएं तो आप लोगों को और भी बहुत अच्छे अच्छे मस्कारा मिल जाएंगे। सबसे पहले गैबलिनी का मस्कारा है, मेरा मोस्ट फेवरेट है, आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है, और इसको लगाने के बाद ना आंखों की लुक बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये टीनेजर्स भी लगा सकते हैं, दूसरी एज के भी लगा सकते हैं, मतलब ये वाला मस्कारा बहुत अच्छा है। सेकंड है टॉप फेस का मस्कारा, इसकी भी जो है ना इसको भी लगाने के बाद आईज की लुक बहुत अच्छी आ जाती है, ना बहुत ज़्यादा थिक कर देता है लैशेज़ को और ना ही बहुत लाइट सा मतलब लगता है, तो पता चलता है कि मस्कारा कोई अच्छा लगाया हुआ है। अफोर्डेबल में, ज़्यादा अफोर्डेबल में आप लोग जाना चाहते हैं तो ये बॉब का मस्कारा है, ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है,
मतलब आप लोग को आसानी से ये हर जगह से भी अवेलेबल होगा। तो ये तीन मस्कारा मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मतलब बारी आ जाती है आई पेंसिल्स की। अच्छा, टीन एजर्स में ना मेरे ख्याल में डार्क जो आई पेंसिल शेड्स होते हैं वो सूट नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ की आंखें जो हैं डार्क में अच्छी लगती हैं, लाइट में अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप लोगों पे बहुत ज़्यादा डार्क अच्छे लगते हैं तो आप लोग ब्लैक और ब्लू दोनों ले सकते हैं। ब्लू भी कलर आइज़ में लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग टीन एजर्स हैं तो आप लोग लाइट कलर में जाएँ, उससे आंखें भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और आंखें बड़ी नज़र आती हैं। सबसे पहला शेड आ गया जी वाइट, वाइट से जो अगर आप लोगों की आंखें छोटी हैं तब भी मतलब बड़ी नज़र आएंगी और खूबसूरत नज़र आएंगी। सेकेंड ऑप्शन है मिस रोज़ का ये वाला जो है नूड शेड, आप लोग इस तरह के नूड शेड भी आइज़ के अंदर लगाएं तो आइज़ की लुक बहुत अच्छी आती है। टीनेजर्स के लिए रिकमेंडेड है ये वाली, बहुत कम लोगों पे सूट करती है, अगर सूट करती है तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि डार्क जब पेंसिल लगाते हैं ना तो आइज़ आप लोगों की लुक बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए लाइट शेड्स लगाएं, नेचुरल शेड्स लगाएं तो आप लोगों की लुक बहुत अच्छी आएगी। बाद बारी आ गई जी आई लाइनर्स की। अच्छा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि टीनेजर्स में हैं तो आप लोग जो ब्रशेस से जो मस्कारा लाइनर्स लगाते हैं वो वाले लगाएं, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और टीनेजर्स के लिए बहुत ही जो है ना क्विक सा मेकअप होना चाहिए जो जल्दी से लग जाए। तो मार्कर लाइनर मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे, बहुत जल्दी भी लग जाते हैं और बहुत आसानी से भी लग जाते हैं। अनर है एक है मिस रोज़ का, ये भी बहुत अच्छा है, और सेकंड है मेकअप एकेडमी का, ये भी बहुत अच्छा है। कहते हैं आप लोग ट्राई करें कि लिप ग्लॉस ही लगाएं, चाहे वो मैट में लगाएं चाहे वो ग्लॉसी में लगाएं, कोई भी फॉर्म में आप लोग लिप ग्लॉस लगा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मैट भी लिप ग्लॉस लगाया है तो आप लोगों के पास एक ऐसा वाइट शेड होना चाहिए जो आप उसके ऊपर हल्का सा लगा दें तो आप लोगों की जो है ना वो बिल्कुल ग्लॉसी सी लुक आए। क्योंकि अगर आप लोग टीनेजर्स हैं और आप लोग मैट लिपस्टिक्स और लिप ग्लॉस लगाएंगे तो वो बहुत ही ना अजीब सी लुक आती है। अगर जी लास्ट चीज़ आ गई आई शेडोज़ की। वैसे तो मैं टीनेजर्स को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आई शेडोज़ लगाएं, लेकिन अगर कभी कभी कुछ ऐसा मौका आ जाता है कि हमें जो है आई शेडोज़ लगाने पड़ते हैं तो ट्राई करें कि इस तरह के आई शेडोज़ आते हैं। फर्स्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस तरह के आई शेडोज़ आते हैं जो मुख्तलिफ कलर्स में आते हैं, जो हल्का सा लगा दें आईज़ पे, उसको जो है ब्लेंड कर दें तो बहुत ही जो है ना शाइन भी आप लोगों की शेड भी दे देते हैं आंखों पे, और बहुत ही नेचुरल सी लुक आती है आईज़ की। और इसमें मुख्तलिफ कलर्स के आते हैं, और एक ये है मेरे पास पर्पल कलर का। अगर आप लोगों ने कोई भी इस पर कलर नहीं लगाया तो ये हल्का सा आप लगाएंगे तो ये सिंपल जो है बस उसको शाइन दे देगा, ठीक है, आईज़ के ऊपर हल्की सी शाइन दे देगा। और सेकंड ऑप्शन है कि आप लोग अगर इस तरह के लेते हैं लिप शाइन में, ठीक है, ये भी तकरीबन लिक्विड वाले ही होते हैं, लेकिन इसका जो है ये क्रीम फॉर्म होता है, ये काम बिल्कुल उसी तरह का करते हैं जिस तरह का जो है लिक्विड जो अभी आप लोगों को दिखाए हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। जो कलर आप लोगों को पसंद हो वो वाला आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन जब आँख पर लगाएंगे तो ये बहुत ही नेचुरल सी लुक देगा, जब ये ब्लेंड होगा शाइन भी करेगा और नेचुरल लुक देगा, कि जितना नेचुरल की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा जो है ना आप लोगों को मेकअप अच्छा लगेगा। ओके जी, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दी हैं, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आ गया लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।